लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वही बच्ची जिसे तुमने तमाचा मारा था, यही इसी जगह। खुदावंदा, तुम अमीरन हो? हमार बिटिया अमीरन लूट कर चले गए। कैसे दुख बांटूं तुम्हारा? जरूर दुख बांटती अपना अगर तुम अमीरन होती, मगर तुम तो एक तवायफ। तू एक रोज के लिए फैजाबाद में आकर जमादार साहब की याद का भी मिट्टी में मिलाए रही। ऐसा ना कहो अम्मी। अम्मी, मैं तुम्हारी बच्ची हूं, तुम्हारी अमीरन। अमीरन तो कब की मर चुकी, वो इस घर को इस तरह जलील ना होने देती। बस अम्मी, दिल से निकाल दिया। निकालने से पहले एक बार तमाचा तो मारती, एक बार अंगूठी गवाई थी तो तमाचा मारा था। आज तो मैं सब कुछ गवा के आई हूं, इस्मत, इज्जत, मान मर्यादा, घर बार, मां बाप, सब कुछ। मारो मुझे, जी भर के मारो, मारती क्यों नहीं? मैं तो भूल ही गई थी, मारती तो अपनों को है ना? हाँ गैर हो तुम, ये ममता की मारी नहीं मारेगी तुम्हें, मगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकता हूँ। थप्पड़ तो क्या, गला भी दबा सकता हूँ तुम्हारा। जिस तरह तुमने इस घर की आबरू को दलदल में धकेला है, तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं। जमाल, अरे तवायफ बनने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था तुम्हें। जब वो कमबख्त दिलावर मुझे उठाकर ले गया, मेरी उम्र ही क्या थी?
बुरा भला नहीं जानती थी, जिंदगी और मौत कहाँ समझ पाती। अब तो समझती हो, फिर क्यों आई हो मैं बदनामी और रुसवाई की गार में धकेलने? शायद अमीरन की तलाश में, जो जिंदगी की गंदगी में गुम हो गई थी, या फिर मरने से पहले अपनों को गले लगाकर रोने के लिए। जिन यादों को हम दफना चुके उन्हें आवाज देने की कोशिश मत करो, चली जाओ फैजाबाद से हमेशा के लिए। जब से होश संभाला है किसी ने मुझे बहन नहीं समझा। एक माँ जाया भाई था, आज वो भी अपनी बहन को फिर उसी बाजार में वापस भेज रहा है। हाँ, मैं तो अमीरन की तलाश में आई थी, दो पल के लिए अमीरन मिल भी गई थी, फिर खो गई। बड़ी भोली थी और थोड़ी पागल भी थी, कहती थी मैं कभी शादी करके बेदाना होंगी, घर और परिवार को छोड़कर कभी ना जाऊंगी। चलती हूं, हो सके तो उस पगली को माफ कर देना। गाड़ीबान रुक क्यों गए? रास्ते में कोनो पड़ल बा। कौन है? हम देखा था भाई साहब। ई तो कोनो कोड़ी बा। ए उठ। अरे रुको, मत मारो इसे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बहुत भूख लगी है। घर में निकबू आया ना, वो पल भर में भूख के इसे ठीक कर देगी। दिलावर का के नाम पे कुछ रहम कर बेटा, बेटा कुछ दे दे बाबा को, इस गरीब का कुछ दे दे बेटा। तुम जो भी हो अल्लाह वाली हो बेटा, बहुत रहम है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जैसे नेक लोगों की अल्लाह जरूर सुनता है बेटा। हो सके तो मेरे हक में दुआ करना, बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं, बहुत बड़ा गुनहगार हूं। दिलावर के गुनाह माफ कर दे। राजा ने फैजाबाद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और साथ ही खत्म हो गई मेरी दास्तान। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, शायद कह ना पाऊं। समझ भी नहीं आता कि इस दास्तान को क्या नाम दूं।
अमीरन की कहानी कहूं या उमराव की। बहरहाल जिंदगी का सफर भी क्या अजीब सफर है। अगर इस सफर का निचोड़ आप अपने अंदाज में पेश कर दें तो इनायत होगी, करम होगा, नवाजिश होगी।